हेलो फ्रेंड्स, जागृति वेज फूड में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे सेव खमणी। सेव खमणी जो है वाटी दाल के खमण में से बनाई जाती है और उसका चूरा करके बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो आइए देखें उसके लिए क्या क्या चाहिए। राय ली है हमने यहाँ पे, शक्कर यहाँ पे हमने तिल लिया है, हींग, नमक, हल्दी पाउडर, अनार के दाने, पानी, हरी मिर्च हमने मोटा मोटा चॉप करके ली है, कड़ी पत्ता, धनिया पत्ते, यहाँ पे हमने गुलाब की पंखुड़ियाँ ली हैं और नाइलॉन सेव और तेल। और यहाँ पे ये वाटी दाल के खमण लिए हैं हमने, इसको हम क्रश कर लेंगे मिक्सी में। इसका हमें चूरा करना है इस तरह से। तो आइए फ्रेंड्स बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई रख दी है गैस पर, उस पर हमने ऑयल 1 टेबल स्पून जितना ऑयल रखा है। ऑयल हमारा हीट हो चुका है, उसमें हमने कड़ी पत्ता, राय और तिल डाल दिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे हींग, हरी मिर्च डाल देंगे हम और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये तड़का जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी हम इसमें नमक डाल देंगे, हल्दी पाउडर, शक्कर डाल देंगे। अभी हमने 1 छोटा ग्लास जितना पानी लिया था वो डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी हमारा अच्छी तरह से उबलने देंगे हम, ताकि शक्कर वगैरह जो है अच्छी तरह से मेल्ट होके मिक्स हो जाए। तो देखो ये पानी में उबाल आ चुका है हमारे। अभी हम इसमें डाल देंगे क्रश किया हुआ खमण। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को एकदम लो कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये तैयार है हमारी सेव खमणी। अभी हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसके ऊपर नाइलॉन सेव छिड़केंगे, धनिया पत्ते डाल देंगे, अनार के दाने, थोड़ी सी हमने ली है रोज पेटल्स वो डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और गर्मा गर्म ही इसको सर्विंग डिश में सर्व करेंगे। ऊपर से हम थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए सेव, अनार के दाने और गुलाब की पंखुड़ियां डालेंगे। तो फ्रेंड्स बनाइए आप सेव खमणी, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। गर्मा गर्म इसे चाय के साथ या किसी चटनी के साथ सर्व करें। और अपने अनुभव हमें जागृति वेज फूड पे जरूर शेयर करें। बताइए कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।